दोस्तों ये है वीवो का न्यू मॉडल वीवो T2X 5G जो कि 6GB 128GB वाला वेरिएंट मेरे पास है। आज करने वाला हम इस फोन का अनबॉक्सिंग, जानते हैं इस फोन के हर एक फीचर्स के बारे में और जानते हैं ये फोन जो है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। दोस्तों वैसे इसका जो बॉक्स है वो T1X के जैसा ही देखने को मिलता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ T2X लिखा हुआ है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों ये है T2X जो कि 5G वेरिएंट पे आया हुआ है और कुछ इस प्रकार से पैक रह गए और इस प्रकार की शाइनिंग हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल से जानेंगे, इसके बॉक्स में और क्या देखने को मिलता है उसको पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंट कवर, डॉक्यूमेंटेशन, 18 वाट का अडॉप्टर, उससे पोर्ट का 1 मीटर का केबल, सिम इंजेक्टर पिन। दोस्तों वैसे जो फ़ोन है वो काफ़ी शाइनिंग फ़ोन है और वीवो का टी सीरीज होता है वो काफ़ी फेमस सीरीज होता है और ये ऑनलाइन प्रोडक्ट रहता है और काफ़ी बेसिक फीचर हमें देखने को मिल जाती है इसमें। वैसे बात करें इस फोन की आउटपुट बॉडी की तो पीछे का जो पैनल है दोस्तों प्लास्टिक का दिया हुआ है, यहाँ पर वीवो लिखा हुआ है और इसका जो पीछे का पैनल है दोस्तों उसमें आपको थोड़ा सा चमकीला और तड़कता भड़कता शेप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दो बड़े बड़े लेंस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है। इस फोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, इसके ऊपर में आपको वॉल्यूम डाउन बटन मिल जाती है। नीचे की ओर हमें देखने को मिलता है स्पीकर, टाइप सी पोर्ट का स्विच, 3.5mm जैक, यहाँ पर माइक्रोफोन। इसके ऊपर में दोस्तों हमें देखने को मिलता है सिम इंजेक्टर ट्रे। दोस्तों बात करें इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 18 वाट का चार्जर देखने को मिलता है जो कि टाइप सी पोर्ट का रहेगा। और इस फोन में दोस्तों आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 का जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, इसमें आप गेमिंग वगैरह भी आसानी से कर पाओगे। इस फोन में आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 का अपडेट देखने को मिल जाता है और इसका जो वेट है वो है 184 ग्राम जो कि काफ़ी हल्की है और पकड़ने में भी काफ़ी आपको आसानी होगी। ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, फ़ोन मीडियम साइज़ का है। इसमें तो वैसे इस फ़ोन में आपको 3 कलर देखने को मिल जाता है, ब्लू, गोल्ड और ब्लैक। वैसे इस फ़ोन में हमें 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है जिसकी प्राइस के हिसाब से उसका वेरिएंट भी चेंज होता जाता है। जैसे कि 4GB 128GB मिलता है आपको 13,000 रुपये का प्राइस में, 6GB 128GB मिलता है आपको 14,000 रुपये का प्राइस में और 8GB 128GB मिलता है आपको 16,000 रुपये के प्राइस में। और इस फ़ोन में आपको 8GB तक एक्सटेंडेड रैम देखने को मिलता है। वैसे बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो फिर इसमें आपको 6.56 इंच का FHD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि वाटर ड्रॉप में आता है और इस फोन में दोस्तों आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। वीडियो वगैरह देखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इसमें वीडियो देख सकते हो। दोस्तों वैसे इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो फिर इसमें आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है और इस फोन में आपको 6.58 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो एक ठीक ठाक डिस्प्ले है और इसमें आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छी मिलती है 6020 का, तो फिर आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, गेमिंग करने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वैसे इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जो कि नीचे की यहाँ पर रहेगा और इसकी जो फुल वॉल्यूम रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। वैसे बात करें इस फोन के कैमरे की तो फिर इसमें आपको 2 कैमरा देखने को मिल जाता है, इसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जबकि सेकंड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। पर दोस्तों फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। तो वैसे इस फोन में आपको स्लोमो और फास्ट मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें एक एडिशनल ऑप्शन भी है व्लॉग मूवी का, इसमें आपको काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है, इसमें आप काफ़ी अच्छी वीडियो शूट कर सकते हो। दोस्तों वैसे इसका जो व्लॉग वाला मूड है वो काफ़ी बेहतरीन है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाता है, इसमें काफ़ी बेहतरीन चीज़ है कि आप अलग अलग एंगल से आप इसको कैप्चर कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है इसमें। और ये वाला जो कैमरा है मुझे काफ़ी पसंद आया। से बात करें इस फोन कैमरा क्वालिटी की तो फिर पीछे में 50 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ लेके आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का फ़ोटो यहाँ पर आया हुआ है। इसमें आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे जो कि एक्चुअली फ़ोटो रहेगा और इसमें आप देख सकते हो कि आपको कोई ब्लर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और वीवो जो होता है दोस्तों वो अपने कैमरे पर काफ़ी फोकस करता है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का फ़ोटोज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर इसका जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का रहता तो फिर काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार से आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा इसमें।
दोस्तों वैसे बात करें इस फ़ोन की कवर की, तो फिर ये जो कवर है इस फ़ोन को प्रोटेक्ट नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कैमरा लेंस है वो निकला हुआ है, इसमें कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है और ना ही दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की ओर कोई प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और जैसे कि अगर आप ये फ़ोन इस्तेमाल करते तो फिर आपको दूसरा कवर लेना पड़ेगा। दोस्तों वैसे जो फ़ोन है वो दिखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी स्पेशल फीचर्स के साथ आया हुआ है। और ये जो मॉडल होता है दोस्तों वीवो का टी सीरीज, वो काफ़ी पॉपुलर मॉडल होता है और इसमें हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका जो लुक है वो भी काफ़ी प्यारा और काफ़ी शाइनिंग लुक देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और दोस्तों इसका जो कलर है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, इसमें आपको ट्रिपल कलर देखने को मिलता है और तीनों कलर काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों वैसे इस फ़ोन को लेकर के मेरी ओपिनियन ये है कि ये जो फ़ोन है वो वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर में। और दोस्तों ये जो फ़ोन है वो दिखने में भी काफ़ी स्पेशल है और इस फ़ोन में दोस्तों आपको काफ़ी हद तक फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं और इसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी कम है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो फ़ोन है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा।